Now we are going to start chapter number 5, that is changes around us. So changes around us, देखो changes हमारे आसपास जो change हो रहा है. Change तो बेटा सबको पता है ना, change आप खुद भी तो change हुए हो ना. आपने अपने आप को देखा, अपनी फोटो देखी है जब आप छोटे से थे, बिल्कुल बहुत छोटे से प्यारे से बच्चे थे, है ना. अभी भी प्यारे हो लेकिन उस टाइम की वो क्यूटनेस देखी थी आपने, है ना. और अब आप थोड़े से चेंज हो गए हो. सो इसी तरह से हमारे आसपास की सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं बेटा, ठीक है. सो ऐसे ही कैसे कैसे किन किन तरह के चेंजेस होते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं. ओके देन बच्चे, सबसे पहले What is a change? अगर हम change को define करें तो change क्या होता है? We can define it as an act. Act means कोई काम, है ना? By which a thing forms or becomes different than its previous self. जैसी वो पहले थी, अब वो उससे थोड़ी सी different हो गई है. That means it is change, है ना? जैसे ये leaves थी, सबसे पहले तो बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं, फिर वो ग्रीन बनती हैं, फिर जब ऑटम आता है तो ऑटम में, ऑटम जब पतझड़ बोलते हैं जिसको, ऑटम में ये लीव्स अलग अलग कलर्स में ऐसे सूख जाती हैं और गिर जाती हैं. सो जो लीव्स की जो पहले वाली स्टेट थी वो चेंज हो गई ना, है ना. सो दिस इज चेंज. अब ये आइस को देखो आप, आइस, ये आइस मेल्ट हो रही है और पानी में चेंज हो रही है. तो ये पहले आइसबर्ग बड़ा, काफ़ी बड़ा था और अब ये मेल्ट हो के काफ़ी छोटा हो गया है. तो क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है ना. दैट इज अ चेंज. ओके बेटे, देन सम कॉमन चेंजेस जो अब हम करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक बच्चे है स्लो एंड फास्ट चेंजेस, ठीक है. Then we will read about periodic and non-periodic, then reversible and irreversible changes. Then at last we will be having chemical and physical and chemical changes. Then इन सभी का combination हम देखेंगे कि हर change में ये तीनों चारों change आते हैं या एक ही तरह का change आता है, ठीक है. So now this is the slow change. अब slow change देखो, नाम बता रहा है ना स्लो चेंज का, है ना. स्लो मीन्स धीरे धीरे, तो चेंजेस साथ में लग गया तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ऐसा चेंज जो बहुत धीरे हो रहा है, टाइम के साथ बहुत धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है. कोई बॉडी टाइम के साथ बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है तो हम उसको बोलते हैं स्लो चेंज. ओके, सो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे. दीज आर द काइंड्स ऑफ चेंजेस दैट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेरी स्लोली. अब ये देखो, आप भी ऐसे थे ना, छोटे बच्चे थे, है ना. टीथ भी नहीं थे ना आपके माउथ में. अब देखो अपने छोटे ब्रदर सिस्टर को आप देख सकते हो, भी चेंज हो रहा है ना. अब फिर आप थोड़े से बड़े हुए, चलने वाले हुए, फिर शरारती वाले बच्चे हो गए, अब तो सयाने वाले बच्चे हो गए हो, है ना. उसके बाद आप और बड़े हो जाओगे. सो ये धीरे धीरे हो रहा है ना, ईयर बाय ईयर आप चेंज होते चले जा रहे हो. आपकी क्लास चेंज होती जा रही है, आपकी हाइट चेंज हो रही है ना. सो दीज आर स्लो चेंजेस. नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ स्लो चेंजेस. चेंज ऑफ सीजन, सीजन भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना. अब कितने दिनों से गर्मी आई हुई है ना, जाती नहीं, बीच में आ जाती है बारिश, कितना अच्छा मौसम हो जाता है, फिर उसके बाद मौसम फिर चेंज हो जाता है. फिर देखो उस सबसे पहले ये देखो स्प्रिंग सीजन दिखाया, फिर समर दिखाया, देन ऑटम दिखाया, देन ऑटम के बाद विंटर दिखाया. तो हर सीजन को रुकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, वो कुछ टाइम तक रहता है और धीरे 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 चेंज होता जाता है. ये तो आप देखते हो ना हर साल कैसे चेंज होता है. अभी हम कौन सी स्टेज में, समर में कहाँ पहुँच गए. अभी देखो तीज आने वाली है, तीज सभी को पता है ना, जब सभी पतंग उड़ाते हैं, झूले खाते हैं,
तो ये आने वाली है, सावन में आती है जब रेनी सीजन होता है। नाउ वी आर अप्रोचिंग रेनी सीजन, आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग विंटर्स, है ना। सो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में अब देखो मम्मा क्या डालते हैं। फर्स्ट बाउल देखो, उसमें स्पून से एक ड्रॉप गया कर्ड का, फिर उसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद उसको पूरी रात ठहरने देंगे और उसके बाद बन जाएगी हमारी टेस्टी वाली कर्ड। सभी खाते हैं ना कर्ड? कर्ड मीन्स दही। दही खाते हो ना सभी? और बहुत न्यूट्रिशियस होती है, सभी को खानी चाहिए, ठीक है। इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। रोज़ वन बाउल कर्ड सभी ने खाना होता है, ओके। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉन्स बहुत अच्छी रहें, सो दिस इज़ ऑल्सो स्लो चेंज, क्योंकि रात को हम डाल के रख देते हैं उसमें एक ड्रॉप, देन वो ड्रॉप धीरे 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 जो उसके अंदर हमारे यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं वो उस मिल्क को चेंज करते चले जाते हैं, उसको सॉलिडिफाई करते चले जाते हैं, एंड देन दे फॉर्म कर्ड, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, ओके। देन वी आर कमिंग टू फास्ट चेंजेस। अब इडली तो सभी खाते होंगे, अप्पे भी सारे खाते होंगे, है ना। सो ये क्या होता है, हम गैस पे रखते हैं, गैस पे रखते ही फटाफट लिक्विड चेंज हो जाता है ना। बैटर हमने डाला ट्रे में बैटर डालेंगे, उसको गैस पे रखेंगे या ओवन में रखेंगे और फटाफट वो अपनी फॉर्म चेंज कर देगा, वो लिक्विड था सॉलिडिफाई हो गया, है ना। सो ये भी चेंज का, इस चेंज का भी नाम आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर रहा है, दैट द चेंज अकर्स सूनर, ठीक है। दीज चेंजेस अकर सूनर, मतलब इस टाइम ऐसे चेंजेस जो हमें, मतलब हमारे सामने सामने चेंज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, बिल्कुल विद इन सम मोमेंट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो इन सभी को हम फास्ट चेंजेस कहेंगे, जैसे ये बैटर जो है वो पुडिंग में चेंज हो गया, और कुछ ही मिनट लगेंगे, 1 या 2 मिनट माइक्रोवेव में लगेंगे और 1 या 2 मिनट आपको गैस के ऊपर लगेंगे। सो अब और फास्ट चेंजेस, बर्निंग पेपर देखो, बर्निंग पेपर कितनी जल्दी हो रहा है चेंज। पेपर को बर्न हमेशा एक अच्छी जगह पे जाके करते हैं, जहां पर ऐसी जगह पे जहां पे आसपास कोई जलने वाला मटेरियल ना हो। सी पर्सन ने ग्लव्स भी डाले हुए हैं, आपके हैंड्स को फर्क ना पड़े। देखो कैसे चेंज हो रहा है। देखो बिल्कुल पता ही नहीं चला ना, और वो देखो कितना लाइट भी होता चला जा रहा है, अब ये उड़ने लगेगा, कितना हल्का हो गया और इतना सुंदर वाइट पेपर, ये कैसा ब्लैक एश में चेंज हो गया है ना। सो दिस ब्लैक एश इज द चेंज फ्रॉम द पेपर, और पता भी नहीं चला कि हमें कितनी देर में ये चेंज हो गया, है ना। सो बेटा नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट ओवरव्यू। आई होप कि आपको स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस अच्छे से पता चल गए हैं। एक बार देखो कि हमने क्या किया, किस तरीके से, और एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास। स्लो एंड देन फास्ट चेंजेस। हाँ जी, सम चेंजेस अकर वेरी स्लोली एंड दीज स्लो चेंजेस में टेक आवर्स, डेज, मंथ्स एंड इवन ईयर्स। इनको हम कहेंगे स्लो चेंजेस। नाउ ये आयरन है, आयरन को अगर हम एयर में रखेंगे तो वो रस्ट हो जाएगा, स्मॉल ट्री बिग ट्री बन जाएगा, अनराइप मैंगो पक जाएगा, जिसको हम खाएंगे बहुत टेस्टी होता है ना, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाएगा, है ना। देन दीज आर द टाइप्स ऑफ स्लो चेंजेस। नाउ फास्ट चेंजेस, सम चेंजेस अकर वेरी फास्ट एंड अकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स, उनको हम फास्ट चेंजेस कहेंगे। नाउ लाइक बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, वाटर चेंज, आइस चेंजेस टू वाटर, देन कटिंग ऑफ एन एप्पल इन टू पीसेस,
कट करना, क्रैकर्स। अच्छा अब ये देखो, क्रैकर्स तो हो गया। एक होता है, अभी मैंने आपको बोला कि आइस चेंज होती है वाटर में, बट अगर हम वाटर कहें आइस में चेंज होना, दैट इज फास्ट और स्लो। यस दैट इज स्लो चेंज। ओके इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। नाउ ओपन योर बुक, वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर। ठीक है, अब देखिए, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड अंडरगोज अ चेंज, चेंजेस अराउंड अस, वी फील चेंजेस अराउंड अस एट होम, इन स्कूल, इन प्ले ग्राउंड एंड अदर प्लेसेस। पिक्चर्स शो कर रही हैं सब। ठीक है, सो अब ये देखिए, देन फर्स्ट में मेल्टिंग ऑफ आइस दिखाया, ग्रोइंग ऑफ प्लांट दिखाया, देन इवेपोरेशन, क्लाउड्स फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो द स्लो चेंज। ठीक है, वी रियलाइज दैट एवरी चेंज हैज अ कॉज, आइस मेल्ट ड्यू टू हीट ऑफ सन, प्लांट्स यूज एनर्जी ऑफ सन टू ग्रो, देन चेंजेस इन वेदर ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सिमिलरली डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, सो चेंजेस देयर फॉर आर द प्रोसेसेस और फिनोमिना। फिनोमिना और प्रोसेस एक ही चीज़ है, इन विच एन ऑब्जेक्ट में बिकम डिफरेंट इन इट्स शेप, साइज, पोजिशन एंड एट टाइम्स इवन इन इट्स कॉम्पोजिशन। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट अकर अराउंड अस, वी ऑफन क्लासीफाई देम, कौन कौन से, अभी देखो, स्लो एंड फास्ट, रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो स्लो एंड फास्ट, देखो अब ये दोनों चेंजेस आपने करने हैं, बनाने भी हैं, और मुझे इनकी पिक्स भेजनी है आपको। ठीक है बेटा, नाउ देखो, एक बाउल में मम्मा के साथ रात को खड़ा होना है, और आपने मम्मा जितना बताएंगी उतना कर्ड मिल्क में डालना है, ल्यूक वार्म, बिल्कुल कोसा सा, कोसा मतलब बहुत थोड़ा वार्म, जस्ट वार्म। ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, और आजकल तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर भी चलेगा। उसके अंदर आप थोड़ा सा कर्ड डाल दीजिए, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा, रिपीट विद मी, लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या कर लेता है, ये जैसे ही हम मिल्क में जाते हैं ना, मिल्क के सारे पार्टिकल्स को सॉलिडिफाई करना शुरू कर देता है, और सारी की सारी को कर्ड बना देता है। बट इसके लिए हमें चाहिए 5-6 घंटे, सो इट इज़ अ स्लो चेंज। ओके अब बॉइल सम वाटर, मिल्क, मिल्क लो, मिल्क को एक पैन में डालो, उसको गैस पे रखो और उसको बॉयल कर दो। अब देखना इसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना बेटे। ठीक है, उसके अंदर डालना लेमन, लेमन जूस, लेमन को काट के उसके अंदर उसका जूस निचोड़ देना, उसकी गिटक बाहर निकाल देना। ठीक है, सीड्स बाहर निकाल देना, देन वो आप ये देखोगे कि आप पानी उसमें जैसे ही लेमन डालोगे ना, और वो गर्म होगा तो विद इन फ्यू मिनट्स पानी अलग हो जाएगा, एंड चीज़, पनीर जो आप बहुत टेस्टी से खाते हो, टेस्ट से खाते हो, वो चेंज हो जाएगा, है ना, इसकी खुशबू भी चेंज हो जाएगी, और वो थोड़े से टाइम में आपका मिल्क कर्ड में, वो चीज़ में चेंज हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे आप बहुत थोड़ा सा टाइम चल लग रहा है, दैट मीन्स इट इज़ फास्ट चेंज। सो ये है, मेरे को आपने करके दिखाने हैं। एंड अपनी स्क्रैप फाइल लेनी है, स्क्रैप फाइल या कोई भी फाइल ले लो, ड्राइंग फाइल ले लो, उसमें आपने क्या करना है, जिप पाउचेज आते हैं, या कोई भी प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाले कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स या प्लास्टिक बैग्स, उसमें आपने क्या करना है, जैसे आपने इवेपोरेशन आपने पिछले लेसन में किया था ना, वो धीरे 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 हुआ था, सो आपने दिखाना है कि दिस इज स्लो चेंज। चलो ये एक बार चैप्टर के लास्ट में करेंगे जब आएगा, अभी अभी नहीं, क्योंकि उसके साथ और भी चेंजेस लिखने हैं, पहले आप अपने सारे चेंजेस समझ जाइए पहले। देन कम टू आर नेक्स्ट पेज, लेट अस कंपेयर दीज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। स्लो चेंज, इसकी डेफिनेशन बता रखी है जो हम बहुत बार पढ़ रहे हैं, दैट टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो टाइम ज़्यादा लेता है चेंज, उसको स्लो चेंज कहेंगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स, एंड यू हैव टू फाइंड 5 मोर स्लो चेंजेस एंड 5 मोर फास्ट चेंजेस। ओके, देन फास्ट चेंज, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस क्विकली इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम कम लगा
दैट इज फास्ट चेंज, और जिसमें ज़्यादा लगा दैट इज स्लो चेंज. ठीक है, सो डू यू नो भी देख लो एक बार. अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू करोजन ऑफ आयरन. मैंने आयरन को जब हम पानी वाली जगह पे रख देते हैं ना, मतलब बिल्कुल पानी में नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी लग रहा है, हवा भी है, तो उसके ऊपर आयरन और वाटर से रिएक्ट करके एक अलग सा सब्सटेंस बन जाता है ब्राउन कलर का, उसको हम कहते हैं रस्ट. ठीक है, सो ऐसे ऊपर वाली लेयर इसकी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है और पाउडर बन जाता है. आयरन कितना स्ट्रांग होता है ना, और उसके ऊपर वो जब पानी और एयर से जब रिएक्ट करता है तो वो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म आ जाती है. सो इसको ये डैमेज हो रहा है, इसको डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं या ग्रीस करते हैं. साइकिल की चेन में ग्रीस लगाते हो ना, वो इसीलिए लगे. एंड आयरन के ऊपर कोई ना कोई और मेटल चढ़ा के उसके लिए अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह. ठीक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस कल करेंगे हम. आई विल टेक फ्रॉम दिस ऑल्सो एंड अप टू देन स्लो चेंज फास्ट चेंज की आपने डेफिनेशन लर्न करनी है, एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं. ठीक है, और ये दोनों डायग्राम्स बनाने भी हैं, ये दोनों एक्टिविटीज़ करनी भी है, और अपनी पिक्स भी भेजनी है मुझे. ठीक है, सो ये दोनों एक्टिविटीज़ अपनी प्रैक्टिकल फाइल में करो एंड स्टे वेल. ओके, बाय बाय.